हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो नए 500 के नोट आए हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। बहुत जगह आप सुन रहे होंगे या देखा भी होगा, या नहीं देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो आरबीआई है उन्होंने दो तरह के 500 के नोट निकाले हैं। मैं आपको बता दूँ, ये 500 के नोट एक ही आने वाले थे। जो ऊपर वाली जो आप नोट देख रहे हैं ये सेकेंड टाइम आया है, ये जो नोट देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइम का है। हम बता दें, जो सेकेंड टाइम जो नोट आई है, जो जल्दी में छपने की वजह से कुछ इसमें फॉल्ट आ गए हैं, तो मैं आपको उनको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जो आप ए आर फर्स्ट में यहाँ जो रिजर्व जो लिखा हुआ है इसमें आप देखेंगे तो आर जो होगा वो बिल्कुल फ्रेश लेटर में नहीं दिखेगा। दूसरा जो ए आप देख रहे हैं, ए बी जो यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में है, यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में नहीं है। दूसरी गलती ये हो गई। तीसरी, यहाँ देखिए ये जो कर्व है, जो बॉर्डर दिख रहा है, इन बॉर्डर के अंदर ये जो तीन मुख वाले जो शेर हैं वो दिख रहे हैं, पर इसमें देखे तो इसके बाहर थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ जो आरबीआई का जो मोहर है उसमें भी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो सर्कल मैंने जो बनाया है, जो आरबीआई का जो एक स्टिकर लगा होता है जिस पर भारत और आरबीआई लिखा होता है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्टिकर है इसके बाहर तक करवाई हुई है, जो कि आप इन दोनों नोटों में देख सकते हैं। ऊपर वाले में मैंने यहाँ घेरा बना दिया है जहां जहां डिफरेंस देखने को मिले हैं हमें। यहां से अगर आप देख सकते हैं यहां तक ये आया हुआ है। सेकेंड, यहाँ जो महात्मा गांधी जी की जो तस्वीर इसमें छपी हुई है, यहाँ देखा तो यहाँ बिल्कुल डार्क है और यहाँ लग रहा है कि उसकी एक कोई प्रतिबिंब बनी हुई है, तो एक मिस्टेक ये है। देन उसके बाद आप अगर यहाँ देखें इस कॉर्नर पे उनके सर पे, तो आपको दिखेगा कि जो ये वाला जो पैटर्न है यहाँ बिल्कुल डार्क है, यहाँ पतली सी डार्क लाइन है। अगला जो यहाँ उनके कान के जस्ट बगल में ₹500 लिखा हुआ है, इन दोनों में ही अंतर है। इस वाले में बिल्कुल आपको 500 बिल्कुल क्लियर दिखा हुआ मिल जाएगा, बट इस वाले नोट जो दूसरी वाली नोट छपी है इसमें बिल्कुल दोनों 0 और 5 सटा हुआ आपको दिखेगा। देन लास्ट एक यहाँ देखें आप ध्यान से, ये जी सर्कल में यहाँ भी आपको अंतर मिल जाएगा इन दोनों नोटों में। इसका बॉर्डर थोड़ा बाहर आया हुआ है, इसमें बिल्कुल क्लीन है। सो ये दोनों पैसे आरबीआई से छपे हुए हैं, इसमें कोई दो नंबर के पैसे नहीं है। आप इन दोनों पैसों में सबसे सामान्य बात जो है जो देखना चाहिए, जिसकी फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं दोनों में 8 होने चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो डॉट डॉट है दोनों नोटों पे सेम है, इनका पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, तो आप इन दोनों नोट बिल्कुल करेक्ट हैं, सही हैं। आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ये नोट बिल्कुल हर जगह चलेंगे। तो आपको इन दोनों नोट अगर मिलता है तो आप उससे ले सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट ने माना है कि ये प्रिंटिंग मशीन की जो जहाँ पैसे छप रहे थे उसकी मिस्टेक से ऐसा हो गया है। तो ये नोट ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, पर बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में, तो आप इन नोटों को ले सकते हैं और कहीं भी चला सकते हैं। अगर आप ब्लाइंड हैं, आप ये सोचेंगे कि एक क्या जो लकीर दी हुई है 5, एक क्या है, ये इन नए रुपयों में एक फीचर्स दिया गया है कि जो ब्लाइंड जो अंधे लोग होते हैं वो कैसे पैसे को पहचानेंगे, तो आप इन लकीरों के थ्रू इन पैसों को पहचान सकते हैं। जब आप इन दो उंगली के बीच से पास करेंगे तो रफ करेंगे तो ये जो सरफेस होगा वो स्मूथ नहीं होगा, वो ऊपर नीचे होगा, तो आप इसे काउंट करके इन पैसों को पहचान सकते हैं कि ये पैसे कितने के हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।